द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो भैया केबीएस पीआईटी का रिजल्ट कब आएगा? बहुत सारे अभ्यर्थी इसी के लिए परेशान हैं। आप सभी लोगों ने केबीएस पीआईटी का पेपर दिया है और इसका रिजल्ट आने का आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो इसके रिजल्ट से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि हमारी 17 तारीख की अपडेट है, यानी कि एक दिन हमारी पुरानी अपडेट है। यहाँ पर आपका कोल्ट का जो आपका मैटर चल रहा है, बीएड वाला और बीटीसी वाला, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसी कारण आपका पीआईटी का रिजल्ट लटका हुआ है। लेकिन इसी संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट कोर्ट के द्वारा बताई गई है, जो आपके आयोग के द्वारा बताया गया है। आयोग ने क्या कहा है यहाँ पर साफ साफ लिखा है, चलिए इसका अनुवाद हम लोग हिंदी में करके बताते हैं। तो आयोग ने साफ साफ बताया है कि भैया आपका केबीएस पीआईटी का रिजल्ट बनकर तैयार हो गया है। ये रिजल्ट आपका पूरा तरीके से तैयार है, लेकिन आपको पता है कि आपका बीएड और बीटीसी वालों का केस चल रहा है, इसलिए इस रिजल्ट में दो लिस्ट बनाई गई है। एक लिस्ट है बीएड वालों के लिए और एक लिस्ट है जो बिना बीएड वाले हैं, यानी कि बीटीसी और जो अन्य डिग्री को धारण करते हैं। ठीक है, तो कोल्ट के आदेश के द्वारा अथवा शिक्षा मंत्रालय के आदेश के द्वारा आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा और यह रिजल्ट आपके जुलाई के महीने तक आने की पूरी उम्मीद है। तो यानी कि रिजल्ट आपका बनकर तैयार रखा गया है। शिक्षा मंत्रालय अगर आदेश देता है अथवा सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है तो तुरंत आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अभी आपका रिजल्ट में दो लिस्ट बनाई गई है, एक बीएड वालों की लिस्ट है और एक बिना बीएड वालों की लिस्ट है। तो यदि आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को शामिल किया जाता है तो ये दो लिस्ट है इसे खत्म कर दिया जाएगा, एक ही लिस्ट में सबका नाम सम्मिलित करके रिजल्ट आपका घोषित कर दिया जाएगा। और अगर बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से निकाला जाता है या प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अयोग्य घोषित किया जाता है बीएड वालों को, तो ऐसी कंडीशन में जो बीएड वाली लिस्ट है वो निरस्त हो जाएगी और बिना बीएड वाली जो लिस्ट है उसी के आधार पर मेरिट बनाकर आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो केवीएस पीआईटी में ये महत्वपूर्ण अपडेट है, आपका रिजल्ट बनकर बिल्कुल तरीके से तैयार रखा गया है, जुलाई के महीने तक आपका रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है और आप इसी रिजल्ट के भरोसे मत बैठिए। उत्तर प्रदेश के अगर आप अभ्यर्थी हैं तो सुपर टेट की तैयारी को बनाए रखिए। नया शिक्षा आयोग का गठन हो चुका है और जल्द से जल्द यूपी टेट का आपकी परीक्षा की घोषणा की जा सकती है और यूपी टेट के बाद आपके सुपर टेट की परीक्षा होने की पूरी उम्मीद है। तो केबीएस पीआईटी में ये महत्वपूर्ण अपडेट है। इसी अपडेट के साथ हम लोग मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।